अश्विनी डियर, यहाँ आप ना टेनिस की वजह से कंफ्यूज हो गए हो, क्योंकि मैंने प्लेस के आगे एक टेनिस लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। आप इसको ऐसे समझो अश्विनी, प्लेस एंड स्विम्स, कंफ्यूज मत हो कि बीच में टेनिस लग गया तो आप कंफ्यूज हो गए हो। अश्विनी आप खुद सोचो, अगर मैं बोल रही हूँ प्लेस एंड स्विम्स, मुन्नू प्लेस एंड स्विम्स, राइट? तो दैट इज कंपाउंड, दैट इज कंपाउंड वर्ब। ऑब्जेक्ट टेनिस लग गया, इसकी वजह से परेशान मत हो, राइट? प्ले टेनिस एंड स्विम प्ले वर्ब है अश्विनी, ध्यान से सुनना, प्ले वर्ब है, टेनिस ऑब्जेक्ट है, तो प्ले के साथ ऑब्जेक्ट आ गया, राइट? लेकिन स्विम के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया है, राइट? तो इसलिए आप अश्विनी कंफ्यूज हो रहे हो। आप इसको ऐसे लो, प्ले एंड स्विम, राइट? देन ये कंपाउंड वर्ब है। जैसे कहूँ, आई ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम विद सब्जेक्ट एंड वर्ब, यू एक्सप्लेन सो वेल मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जैसिका। हर्षित, चुन्नू प्लेज टेनिस एंड स्विम्स। मैम इसमें एक मिनट, हर्षित का क्वेश्चन सुन लेते हैं। हर्षित का क्वेश्चन है, चुन्नू प्लेज टेनिस एंड स्विम्स। मैम इसमें चुन्नू सब्जेक्ट हुआ, बिल्कुल सही हर्षित। प्लेज एंड स्विम्स कंपाउंड वर्ब हो गया, बिल्कुल सही हर्षित। यहाँ पे चुन्नू सब्जेक्ट हुआ, एक सब्जेक्ट है, उसके रिगार्डिंग एक कंपाउंड वर्ब है, तो आपका एक ही क्लॉज बनेगा, और एक क्लॉज बनेगा यानी कि सिंपल सेंटेंस होगा। चुन्नू प्लेज टेनिस एंड स्विम्स, यानी कि एक सिंगल यहाँ पर क्लॉज है, मेन क्लॉज है, और आपका सिंपल सेंटेंस बनेगा। तिलक, मैम सेकंड मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज, तिलक अभी आ रहे हैं, कैसे पहचानोगे कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज है? इसका हिंट मैंने आपको पहले दे दिया था, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा होना चाहिए, और मैंने अभी आपको बोला एंड जो है वो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं होता है। तो अगर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है, इट मीन्स दूसरा क्लॉज मेन क्लॉज है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज अभी आगे देखोगे तिलक, अभी और भी चीज़ें आपको भी समझ में आएंगे, अभी एग्जाम्पल्स उसके बचे हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखो तिलक। कोमल की नोटिंग हो गई है, बाकी लोगों की नोटिंग हो गई है, थोड़ा सा सब्र रखो तिलक। आप ये समझ लो, अगर क्लॉज के आगे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन आता है, इट मीन्स अगर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन आ रहा है तब तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, उसके अलावा अगर कुछ आता है तो वो आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज नहीं बनाएगा। इसलिए आपको सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन की जो लिस्ट मैंने दी थी वो आपको याद करनी होगी कि कौन कौन से सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, राइट? हर्ष का क्वेश्चन, मैम वन मेन क्लॉज एंड सब ऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इन वन सेंटेंस। देखो एक मिनट, सबके क्वेश्चन सुनते जाओ, तुम लोगों को भी क्लैरिटी आएगी। हर्ष कह रहा है, एक मिनट, ऊपर चला गया हर्ष का, एक मिनट रुको। मैम वन मेन क्लॉज, वन मेन क्लॉज एंड सब ऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इन वन सेंटेंस। नहीं जी हर्ष, अगर एक मेन क्लॉज होता है और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ये अभी हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, अभी हम थर्ड वन पढ़ेंगे, आप आगे आ गए, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस में केवल एक मेन क्लॉज होगा, दो या दो से ज़्यादा मेन क्लॉजेस हैं तो कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं, राइट? अभी हम आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपके लिए बता दे रही हूँ, एक मेन क्लॉज, एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं, अभी हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में नहीं आ रहे हैं, समझ गए हर्ष? इशिका, कोमल अभी हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में नहीं आ रहे डियर, अभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी हम केवल मेन क्लॉज की बात कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात अभी हम करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, सबऑर्डिनेट क्लॉज की बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। इशिका का क्वेश्चन है, द रॉबर ट्राइड टू एस्केप बट द पुलिस कॉट, ये तो अभी इशिका आएगा सेंटेंस, ये आपके ICI के मॉड्यूल का बुक का एग्जाम्पल है, अभी हम आते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन अलग होता है इशिका, अभी हम आए ही नहीं है, अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, आप आगे की चीज पूछ रहे हो, फैन बॉयज अभी मैंने नहीं पढ़ाया है इशिका, थोड़ा सा वेट करो। आई होप सबकी नोटिंग हो गई है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, राइट? आगे देखिए,
अब सिंपल सेंटेंस में आप यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल देखो ये, राइट right, चलो स्क्रीन पे देखते हैं। आई वॉक, आई क्या है, सब्जेक्ट है, वॉक क्या है, प्रेडिकेट है, जिसमें अकेले प्रेडिकेट में यहाँ केवल अकेला एक वर्ब है। तो आपको समझ में आया आई वॉक वन मेन क्लॉज, और वन मेन क्लॉज है, इट मीन्स ये क्या है, आपका सिंपल सेंटेंस है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी था, किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, राइट right, चलिए आगे देख रहे हैं। श्यामली रन आफ्टर हर लिटिल ब्रदर। प्रियांशु लास्ट वाला, मैम लास्ट वाला भी सिंपल था, नहीं जी लास्ट वाला सिंपल नहीं था, प्रियांशु का क्वेश्चन है। और प्रियांशु का क्वेश्चन है, लास्ट वाला सिंपल था, लास्ट वाला सिंपल नहीं था डियर, देख लो लास्ट वाले में टू मेन क्लॉजेस थे, कंपाउंड सेंटेंस था, बताया ना दो मेन क्लॉजेस या उससे ज्यादा रहेंगे कंपाउंड सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस में केवल और केवल एक मेन क्लॉज होता है। सिंपल सेंटेंस में बार बार मैं बोल रही हूं, केवल और केवल एक मेन क्लॉज होता है, राइट तो लास्ट वाला आपका सिंपल नहीं है, लास्ट वाला आपका कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि वहां दो मेन क्लॉजेस हैं, दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉजेस होते हैं तो कंपाउंड बनता है। आज आपको दो ही डेफिनेशन याद करनी है, पहली डेफिनेशन सिंपल सेंटेंस एक मेन क्लॉज से बनता है, दूसरी डेफिनेशन दो मेन क्लॉज या उससे ज्यादा मेन क्लॉजेस होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज का आज मैंने नाम नहीं लिया है, दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉजेस होते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो फर्स्ट टू टाइप के सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज का जिक्र नहीं आया है, ऐसे याद करो। सिंपल सेंटेंस वन मेन क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस टू मेन क्लॉजेस या मोर, मेन क्लॉजेस ही आएंगे, अभी सबऑर्डिनेट क्लॉज का जिक्र नहीं आया है। फर्स्ट टू टाइप ऑफ सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेट क्लॉज का जिक्र नहीं आया है, राइट तो यहां पे आई वॉक हो गया था। अब आप देखिए श्यामली, श्यामली रन आफ्टर हर लिटिल ब्रदर, राइट तो आप साफ साफ देख रहे हो श्यामली क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, उसके रिगार्डिंग वर्ब क्या है, रन का सेकंड फॉर्म हो गया आपका, पास्ट टेंस हो गया रन, राइट आफ्टर हर लिटिल ब्रदर, हर लिटिल ब्रदर नॉर्मल फ्रेज है, राइट आफ्टर हर लिटिल ब्रदर भी आप फ्रेज बोल सकते हो, राइट तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, वन मेन क्लॉज हुआ, वन मेन क्लॉज है क्यों, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है, उसके रिगार्डिंग एक वर्ब है, इट मीन्स ये आपका क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया, राइट ये आपका क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस हो गया। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे देख रहे हैं, इन ग्रेट एंगर, इन ग्रेट एंगर द मैन शाउटेड एंड यील्ड एट हिज लेजी सन। अभी देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत आती है तो प्लीज अभी पूछ लेना, अभी पूछ लेना ज्यादा बेटर है, राइट यहाँ पे देखो इन ग्रेट एंगर, ये तो फ्रेज हो गया इन ग्रेट एंगर, इन लगा है आपको पता लग रहा है, कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो ये तो फ्रेज हो गया। अब आपको पता लग रहा है द मैन जो बॉक्स मैंने बनाया है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखो दो वर्ब हो गया, शाउटेड एंड एल्ड, राइट शाउटेड एंड एल्ड। अब आप इसको क्या बोलोगे, शाउटेड एंड एल्ड को आप बोलोगे कंपाउंड वर्ब, आप क्या बोलोगे कंपाउंड वर्ब, लेकिन ये दोनों वर्ब जो हैं वो किसके रिगार्डिंग यूज हो रही है, द मैन, यानी कि एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एक कंपाउंड वर्ब है, तो आप इसको वन क्लॉज ही बोलोगे, यहाँ पे आप इसको क्या बोलोगे, वन क्लॉज ही बोलोगे, राइट तो यहाँ पर आपका ये क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस हुआ, यहाँ पे आपका क्या हुआ, सिंपल सेंटेंस हुआ, राइट नहीं डियर मानसी गलत समझ रहे हो, मानसी ने लिखा है आफ्टर हर लिटिल ब्रदर, डियर ये फ्रेज है, आप मेरे को ये बताओ आप क्लॉज क्या होता है, आप इसको सब मानसी बोल रही हैं, स्टूडेंट सुनना, मानसी कह रही है आफ्टर हर लिटिल ब्रदर ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, नहीं डियर सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन आफ्टर जरूर है, लेकिन क्या आफ्टर के बाद आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिल रहा है, आंसर है नो,
आफ्टर के बाद आपको सब्जेक्ट और वर्ब नहीं मिल रहा, हर लिटिल ब्रदर, हर लिटिल ब्रदर आप कहोगे तो ये केवल और केवल सब्जेक्ट है, क्या उसके रिगार्डिंग कुछ वर्ब आया है? नहीं आया है। तो यहाँ क्लॉज तो है ही नहीं जो आप इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलोगे। हर लिटिल ब्रदर, क्या हर लिटिल ब्रदर के रिगार्डिंग कुछ और आया है वर्ब? आंसर है नो। तो यहाँ क्लॉज तो आप बोल ही नहीं सकते, भले ही आफ्टर आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। राइट, अदिति का क्वेश्चन, मैम श्यामली वाले सेंटेंस में आफ्टर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नी है, ही है, ही है लिखना होगा आई थिंक अदिति। श्यामली वाले सेंटेंस में आफ्टर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, अच्छा वही श्यामली वाले में, डियर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, लेकिन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब केवल उसका काम यही नहीं है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के आगे लगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज के आगे लगने के अलावा भी वो यूज हो सकता है। आफ्टर बिल्कुल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, लेकिन यहाँ पे मुझे बताओ क्या आफ्टर के बाद क्लॉज है? आंसर है नो। तो ये क्या हुआ? फ्रेज हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ। आई थिंक मानसी समझ में आ गया होगा, मानसी को क्लैरिटी हो गई होगी। पूछो, डाउट्स पूछो, शर्माओ नहीं। अदिति, अदिति आपको भी क्लियर हो गया होगा? एल्ड मतलब भी आपका क्या होता है? चिल्लाना ही होता है। एल्ड मतलब भी आपका चिल्लाना ही होगा, राइट? अच्छा, और बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? शाउटेड, शोर मचाना, एल्ड बहुत तेज आवाज में चिल्लाना आप कह लो, राइट? आई होप यहां तक सबको क्लियर है। तो यहां पर इन ग्रेट एंगर वाला एग्जाम्पल समझ में आया, थर्ड वाला एग्जाम्पल समझ में आया। मैं नंबरिंग कर दे रही हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड वाला आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हाँ जी तिलक, सेकेंड सेंटेंस में आफ्टर है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, लेकिन उसके बाद क्लॉज तो नहीं है ना डियर? तो क्लॉज नहीं है, तो इट मीन्स वो सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, राइट? वंशिका नो, नो बताओ बेटा, नो किसके लिए बोला तुमने? तुमने क्या पूछा था अभी? अरे ये तो बता दो वंशिका, प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए नो बोला, नो प्रॉब्लम। किसके लिए बोला कि अभी प्रॉब्लम कुछ समझ में नहीं आया? यहाँ नो के दो इंटरप्रिटेशन है मेरे लिए। नो प्रॉब लिख दो अगर नो प्रॉब्लम के लिए बोल रहे हो। नो मैंने पूछा समझ में आया, अब तुमने कहा नो, तो इसका मतलब नहीं समझ में आया। ओके, हर्षित क्या पूछ रहा है? मैम एक बात समझ नहीं आई कि आप कभी कभी सब्जेक्ट में वर्ब क्यों ले आते हो? हर्षित कहाँ ऐसा लगा, सब्जेक्ट के साथ ही तो बेचारा वर्ब आता है, तभी तो आपका क्लॉज बनता है। क्लॉज बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ, अच्छा अच्छा सब्जेक्ट में वर्ब क्यों ले आते हो? हर्षित पता है क्या पूछ रहे हैं? हर्षित पूछ रहे हैं मैम एक बात समझ में नहीं आई कि कभी कभी आप सब्जेक्ट में वर्ब ले आते हो। डियर अब एक बात बताओ, रीडिंग बुक, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, रीडिंग बुक इज अ वेरी गुड हैबिट। अब यहाँ पे जो रीडिंग वर्ब है ना, वो सब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है। रीडिंग बुक, बुक पढ़ना। अब मैं कहूँ रनिंग इज वेरी गुड हैबिट, तो रनिंग अपने आप में क्या है? रन आपका वर्ब होता है, लेकिन वहाँ रनिंग किसकी तरह काम कर रहा है? नाउन, क्योंकि वहाँ रनिंग के बारे में बात की जा रही है। रनिंग इज वेरी गुड, कुकिंग इज वेरी गुड, अब इन सब में क्या है? वर्ब ही हुआ ना सब्जेक्ट में, ठीक है? अच्छा, और क्या डाउट्स आ रहे हैं? समझ में आया हर्षित? तो कभी कभी जो वर्ब वाले वर्ड हैं वो कभी कभी नाउन का भी काम करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट का भी काम करते हैं। श्रुति का ईल्ड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, चिल्लाना होता है, सार्थक को बता दिया था। श्रुति, बहुत सारे डाउट्स आ गए, मैं एक एक डाउट पढ़ती जा रही हूँ। श्रुति बोल रही है द मैन शाउटेड एट हिज लेजी सन एंड स्लैप्ड हिम, मैम ये क्या होगा? सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन श्रुति ने पूछा है। ओके वंशिका, नो प्रॉब्लम, गुड, आई होप मेरी प्रॉब्लम में तुम समझ रहे होगे। राइट, श्रुति ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, सुनो सब लोग, श्रुति ने क्या सेंटेंस बनाया है? द मैन शाउटेड एट हिज लेजी सन एंड स्लैप्ड हिम, ये कौन सा होगा, कोई बताएगा? बहुत अच्छा एग्जाम्पल श्रुति ने बनाया, द मैन। हाँ जी अदिति, एट हिज लेजी सन, ये आपका मैन एट
हिज लेजी सन, ये आपका मैन एट नहीं, केवल आप बोलेंगे एट हिज लेजी सन, ये आपका फ्रेज है. आंसर दो श्रुति के क्वेश्चन का, आंसर दो. द मैन शाउटेड, ध्यान से सुनना, द मैन शाउटेड एट हिज लेजी सन एंड स्लैप्ड हिम. ये कौन से, इसमें क्लॉज कितने हैं? इसमें डियर एक ही क्लॉज है, मेरा आंसर है एक क्लॉज है, बाकी लोग बताओ. अब कहेंगे मैम आपने आंसर दे दिया, हम तो आपको फॉलो करते हैं. नहीं डियर, मेरे को फॉलो नहीं करना है, अपना माइंड लगाना है, एग्जाम में मैं नहीं होंगी. एक ही मेन क्लॉज है. राइट, फिर से बोल रही हूँ, मैं लिख ही देती हूँ. हाँ जी, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड वर्ब है, ये बोल रही है श्रुति सेंटेंस. राइट, तो यहाँ पे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सारे लोग सही बोल रहे हो. यहाँ पे द मैन के लिए ही शाउटेड वर्ब यूज हुआ है और द मैन के लिए ही स्लैप्ड वर्ब यूज हुआ है. राइट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सेंटेंस ऊपर श्रुति का मैंने लिखा है, इसमें द मैन आपका क्या है, सब्जेक्ट है. इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एक शाउटेड आपका वर्ब हो गया और दूसरा स्लैप्ड आपका वर्ब हो गया. इट मीन्स कि ये कंपाउंड वर्ब है, एक सब्जेक्ट है और मैन शाउटेड एंड एल्ड. राइट, द मैन सब्जेक्ट है जिसके लिए, एक ही सब्जेक्ट के लिए शाउटेड एंड एल्ड जो है वो यूज हो रहा है, कंपाउंड वर्ब है, तो यहाँ पे एक क्लॉज होगा और एक क्लॉज के कारण यहाँ पे ये मेन सेंटेंस जो है वो होगा. राइट, चलिए ये वाली स्लाइड हमने कंप्लीट कर ली है. तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस जो थे वो चल रहे थे. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए. अभी कंपाउंड सेंटेंस हम नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे, क्योंकि क्लास का लगभग टाइम हो गया है. तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ. द मैन आपका क्या है, सब्जेक्ट है, आपको समझ में आया. शाउटेड एंड एल्ड, ये जो दोनों वर्ब हैं ये किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, द मैन के लिए यूज़ हो रहे हैं. राइट, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट, वन कंपाउंड वर्ब, इट मीन्स आपका क्या हुआ, मेन क्लॉज. राइट, तो इसको आप क्या बोलोगे, सिंपल सेंटेंस बोलोगे. सार्थक, चुन्नू एंड मुन्नू प्ले एंड डांस रिस्पेक्टिवली, क्या होगा. चुन्नू एंड मुन्नू, सार्थक ने एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, एक ने रिस्पेक्टिवली भी पूछा था, उसके रिगार्डिंग आप सुनिए. एक और स्टूडेंट ने रिस्पेक्टिवली का मतलब पूछा था कि उसके रिगार्डिंग क्या होगा. अगर हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना सब लोग, चुन्नू एंड मुन्नू प्ले एंड डांस रिस्पेक्टिवली, ये भी आपका वन मेन क्लॉज माना जाएगा. चुन्नू एंड मुन्नू आपका वन कंपाउंड सब्जेक्ट होगा, प्ले एंड डांस आपका वन जो है कंपाउंड वर्ब होगा. रिस्पेक्टिवली वर्ड हमने यहाँ क्लैरिटी के लिए लगा दिया है, लेकिन यहाँ पूरे सेंटेंस में हम वन मेन क्लॉज मानेंगे. हम इसको टू मेन क्लॉजेस तभी बोलते हैं अगर लिखा होता चुन्नू प्लेज एंड मुन्नू डांसेस. राइट, तभी हम इसको बोलते हैं कि यहाँ टू मेन क्लॉजेस हैं. भले ही आपने रिस्पेक्टिवली लगा दिया है, चुन्नू एंड मुन्नू प्ले एंड डांस रिस्पेक्टिवली, इसको आप वन मेन क्लॉज ही बोलोगे. रिस्पेक्टिवली लगाने से सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होता है. राइट, अच्छा, हर्षित को कोई डाउट नहीं है. आगे क्या है डाउट, इशिका मैम, अगर सेकंड सब्जेक्ट, अगर टू सब्जेक्ट एंड वन वर्ब होगा तो वो भी मेन क्लॉज होगा. हाँ जी डियर, अगर टू सब्जेक्ट्स हैं साथ में, कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं, यानी वन कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया. राइट, और उस कंपाउंड सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वन वर्ब हो गया, जैसे हमने कहा था चुन्नू एंड मुन्नू प्ले टेनिस. राइट, तो इन दैट केस आपका यहाँ पे दो सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, क्लॉज एक ही है, कंपाउंड सब्जेक्ट है, नॉर्मल वर्ब है, एक क्लॉज है. वन मेन क्लॉज मीन्स सिंपल सेंटेंस. और कोई डाउट?